हेलो फ्रेंड्स, हमने पुरानी वीडियो में जो पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में जो पढ़ा था, वो पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसको हम किससे डिनोट करते हैं ये पढ़ लिया था हमने। और मैंने आपको भी बता दिया है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कोई भी प्रॉब्लम इस व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हो। और साथ ही हमने जो पढ़ लिया था वो था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पढ़ लिया था। और हमने साथ में ये पढ़ लिया था डेरिवेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाई द एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, हमने ये पढ़ लिया था। मतलब कि कोई स्विच अचर होगा, उसको एलिमिनेशन करने से हमें जो उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, हम अब तो ये पढ़ चुके हैं। और आज जो हमें पढ़ना है वो है डेरिवेशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ एन आर्बिट्री फंक्शन। अगर कोई उसमें फंक्शन हो तो उसको निकाल के हम किस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, आज हमें ये पढ़ना है। ये पढ़ने के लिए, ये जानने के लिए हम देखते हैं, मान लें हम इसको सिंपली पहले कैसे निकालते हैं उसको मेथड देखते हैं। मान लें यू तथा बी, लेट यू तथा बी एक्स वाई जेड के फलन हैं, ये हमने मान लिया। तो इस संबंध को हम जो यू बाई यू तथा बी के फलन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई यू वी इक्वल टू जीरो वन, ये है। अब हमें करना क्या है इसमें से, जहाँ फाई फाई जो है वो एक स्विच फलन है, जहाँ फाई एक स्विच फलन है। अब हमें इसी के जो फाई है ना, इस फलन का हमें निकालना, इस फाई फलन को निकाल देना है इसमें से। और इसको निकाल के हमें जो आएगा वो क्या आएगा ये देखते हैं, कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। जेड को स्वतंत्र चरों एक्स तथा वाई का आश्रित चर लेकर, समीकरण जो एक था, एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ हमने जेड को जो स्वतंत्र माना है एक्स तथा वाई के, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पार्शियल इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर इसका अगर डेल फाई अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले डेल यू के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, उसके बाद डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट, फिर उसके बाद डेल एक्स अपॉन डेल एक्स करना है, प्लस यू का कर दिया तो इसके बाद जो यू है जेड का भी फलन हो सकता है, तो इसमें डेल यू अपॉन डेल वाई डेल जेड का फलन होगा, डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे हमें डेल वाई और डेल जेड का भी कर सकते हैं, लेकिन डेल वाई और डेल जेड या वाई कॉन्स्टेंट माना जाएगा, क्योंकि जेड का तो हमने फलन माना है, लेकिन वाई इसके लिए एक्स के रेस्पेक्टली कॉन्स्टेंट माना जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हो गया। प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी, पहले हमने बी का किया है तो डेल बी अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ हमने दे दिया, इसको टू दे देते हैं, या इसको हम और मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको डेल यू अपॉन डेल फाई रखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स इसकी वैल्यू वन हो गई, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर पी लिख सकते हैं, पी डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल फाई अपॉन डेल बी डेल यू डेल बी अपॉन डेल बी एक्स प्लस ये वन हो गया।
इसको हम डेल जेड अपन डेल एक्स को पी लिख सकते हैं, पी डेल जेड अपन डेल वी अपन डेल जेड, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, मतलब ये इसका हमें मॉडिफाई रूप लिख दिया इक्वेशन का। अब इसी तरह हम जब बाई के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने पर अपने पास जो आएगा वो आएगा डेल यू अपॉन डेल, ये डेल फाई अपॉन डेल यू है, ये डेल फाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस यहाँ पे जो अपने पास आएगा यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल वाई आएगा, जिसको हम क्यू लिख देंगे, क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल फाई अपॉन डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल बी अपॉन डेल जेड, ये आ गया अपने इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 आ चुकी है। अब इसका हम जो सारणिक विधि होती है मैट्रिक्स मेथड होता है, उसकी हेल्प से हम इसमें डेल फाई अपॉन डेल यू एवं डेल फाई अपॉन डेल बी, डेल फाई अपॉन डेल यू और डेल फाई अपॉन डेल बी, इसका हम विलोपन करते हैं। तो इसका विलोपन करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इसके विलोपन के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड, और ये अपने पास ये लिख लिया हमने, इसके बाद ये लिखना है डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस जो अपने पास ये पी डेल बी अपॉन डेल जेड, इसके बाद लिखना है हमें इस पर डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल बी अपॉन डेल जेड, ये लिखना है इक्वल टू 0। ये इसका जो हमें मैट्रिक्स मेथड से हम विलोपन करते हैं ये है। तो इसको हम सॉल्व करने पे क्या जाएगा अपने पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल बी अपॉन डेल जेड इक्वल टू, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू, इस पर वैसे तो नेगेटिव में आता लेकिन हम राइट हैंड साइड में ले गए इसको, तो पॉजिटिव में आ गया कि इक्वल टू 0 तो इधर ले गए हम, तो ये आ गया अपने पास डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस मतलब मल्टी डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस पी, यहाँ सॉरी क्यू था, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड सही है, डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड, ये आ गया अपने पास। अब हमारे पास ये आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम और मॉडिफाई करें इसको, तो हम लिख सकते हैं जैसे अगर हम ये करें कि पी का एक साथ ले लें क्यू का एक साथ ले लें, तो क्या कर सकते हैं, पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा अपने पास पी, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अलग अलग से, तो यह आता है डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस इसका हम यहाँ पे क्या है, फिर इसका इधर क्या है क्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल जेड प्लस अब इसका इनसे क्या है, तो पी डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस पी क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल टू, अब इनका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाता है मेरे पास डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये आ गया इसका इससे क्या है, तो इसका आ गया पी डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वी अपॉन डेल जेड, ये आ गया प्लस इसका इस बारे में इसका इससे करना है, तो आ जाएगा क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड, ये सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई आया यहाँ डेल यू अपॉन डेल जेड और डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड
डेल वी अपॉन डेल जेड। अब यहाँ हम देखते हैं कट के क्या जाता है, जो कटने लायक है अपने पास वो ये है, ये कट गया। और कुछ हमने हमारे पास कटने लायक है कि नहीं, नहीं है हमारे पास और कुछ कभी और कुछ भी कटने लायक नहीं है, तो ये आ जाता है अपने पास। अगर हम पी को एक तरफ ले लें, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस, यहाँ से इधर से पी आएगा तो इसको पी को कॉमन ले लिया हमने, तो डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड, सॉरी डेल जेड डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वी अपॉन डेल वाई आएगा। ये आ गया डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड, ये आ गया अपने पास प्लस। अब क्यू को कॉमन ले लिया हमने, अब क्यू को कॉमन लिया है तो ये आ गया अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल जेड, ये आ गया माइनस, क्यों इधर से इधर वाला क्यू हमने कॉमन लिया है, क्यू स्मॉल क्यू है स्मॉल क्यू, ये कॉमन लिया हमने, तो फिर ये आ गया अपने पास डेल यू अपॉन डेल जेड डॉट डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, बाकी को हम इधर ले गए तो ये बचा अपने पास, एक तो डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस, एक ये बचा अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई, ये आ गया अपने पास बच के। अब जो हमारे पास ये आ गया, अगर हम इसको इसको कैपिटल पी मान लें, इसको कैपिटल क्यू मान लें, तो ये अपने पास आ जाता है, कंडीशन आ जाती है पी पी प्लस क्यू की इक्वल टू आर, वेयर हमने क्या माना है वहाँ देखते हैं, पी बराबर क्या माना है हमने, पी बराबर माना है डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वी अपॉन डेल जेड, या इसको लिख सकते हैं हम डेल यू वी अपॉन डेल वाई जेड। ये फ्रेंड्स उसी तरह से जैसे कि हम डेल को बाहर रख दें यू वी वाई जेड, ये इस तरह से है। अब यू जेड मतलब डेल यू डेल जेड और डेल वाई और डेल जेड ये करते हैं हम, तो ये आ जाता है अपने पास डेल यू डेल वी, मतलब एक बार तो ये आगे वाले आ जाएंगे, बाद में इनका टर्म चेंज हो जाएगा, इस तरह से आ जाते हैं। ये आ गया ये क्यू बराबर, अगर हम लिखें तो क्यू बराबर अपने पास क्या माना था हमें, डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल यू वी और डेल जेड एक्स, ये लिख सकते हैं। और जो आर बराबर माना था वो था अपने पास, आर बराबर जो माना था वो था अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डेल यू वी डेल एक्स वाई, ये लिख सकते हैं हम इसको आराम से। जो भी इसको हम जैसे क्वेश्चन नंबर चार दे दें, इसको ये क्वेश्चन नंबर चार दे दिया हमने, क्वेश्चन नंबर चार इस इक्वेशन को, जहाँ हमने पी 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 और क्यू डिफाइन है अपने पास, तो समीकरण चार है ना, ये जो नॉन होमोजीनियस समीकरण चार ये कहलाती है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल असमघाती रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, या इसको हम कह सकते हैं प्रथम कोटि का रैखिक कल्प आंशिक अवकल समीकरण, क्वेसी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये क्वेसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल क्वेसी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब ये आ गया अपने पास, हमारे पास यही तो हमें करना होता है क्योंकि हमें फाई से गायब करना होता है, तो फाई गायब हो गया अपने पास से, और ये हमारे पास पी क्यू के फलन में के रूप में कोई समीकरण आ गया, हमें यही निकालना होता है। अब हम उसमें एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है
ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शन फाई, जो आर्बिट्री फंक्शन है फाई, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो फाई है कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का फलन है, हमें इसमें से फाई को ही एलिमिनेट करना है। अब ये क्या, ये एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसका सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये तो आ जाएगा एल प्लस, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा इसके लिए, लेकिन ये नहीं रहेगा, प्लस एन डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। फिर उसके बाद जो इसके अंदर है उसका होना है, तो उसका होगा, तो इसका तो होगा टू एक्स प्लस बाईस के लिए कांस्टेंट माना जाएगा जेड प्लस टू जेड, और जेड का होगा तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, उसको क्या लिख सकते हैं पी, ये हो गया अपने पास। इसी तरह हम बाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो बाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एल प्लस एम क्यू इक्वल टू फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया। अब एक्स एक्स तो अपने पास कांस्टेंट माना जाएगा, तो ये आ जाएगा टू वाई प्लस टू जेड क्यू, क्यू क्या है अपने पास डेल जेड अपॉन डेल क्यू जो आएगा वो है अपने पास। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन और आ गई, इसको हम क्वेश्चन नंबर टू दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, फाई ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, कोई ऐसा तरीका देखना है जिससे कि हमारे पास फाई है, ये फाई इसमें से गायब हो जाए। अब ये गायब करने के लिए हम सिंपली हम यहाँ देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर टू को डिवाइड कर दें, जैसे ये कर दें हम थ्री में टू का भाग दे दें या टू में थ्री का दे दें, एल अपॉन एन पी अपॉन एल प्लस एम पी, सॉरी ये एल है यहाँ पे, तो यहाँ एम है, ये एम एम प्लस एम प्लस एन क्यू, एन क्यू एन है यहाँ पे, ये हो गया एल प्लस एन पी अपॉन एम प्लस एन क्यू, ये हो गया अपने पास। ये एल अपॉन एम एन पी में डिवाइड दे दिया हमने एम अपॉन एन क्यू का, तो ये आ जाएगा डिवाइड देने पे, इसको हम अलग से लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, फाइव डैश से ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो अपने पास में कुछ बच जाएगा, टू कॉमन आके कट जाएगा, तो एक्स प्लस जेड पी अपॉन वाई प्लस जेड क्यू, ये आ गया अपने पास। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं वो लिख दो, क्या हम लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे जो मेन टर्म होता है, हमने इसमें आंसर कहाँ, पहले हमने जो पढ़ा था उसमें हम आंसर पी पी प्लस क्यू मतलब कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू उस फॉर्म में लिखा था हमने, तो उस फॉर्म में लिखने के लिए हमें सबसे पहले पी के अंदर में क्या आ सकता है वो देखना है, तो वो देखने के लिए पहले बज मल्टीप्लाई कर देते एल प्लस एन पी वाई प्लस जेड क्यू इक्वल टू एम प्लस एन क्यू और ये एक्स प्लस जेड पी, ये आ गया। अब फ्रेंड्स हमें निकालना क्या होता है, हमें वो जो निकालने वो निकालने के लिए हम पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह आ जाता है एल वाई प्लस एल जेड क्यू एन प्लस एन पी वाई प्लस एन पी जेड क्यू इक्वल टू क्या आ गया इनका क्या, तो एम एन प्लस एम जेड पी प्लस एन क्यू एक्स प्लस एन क्यू जेड पी, ये आ गया अपने पास। अब हम पहले देखते हैं इसमें कट किया जाता है, तो हमारे पास इसमें देखने पे कुछ भी नहीं कट रहा, हमारे पास सिंपल है कुछ नहीं कट रहा इसमें से, तो अब सबसे पहले हम पी को पी की जो पी के कॉमन लेते हैं, यहाँ से पी कॉमन ले लिया, यहाँ से पी कॉमन ले लिया, तो ये पास अपने पास आ गया अपने पास एन वाई अब ये देखते हैं कट क्या रहा है। अब हमारे पास यहाँ से पी पी लेते हैं, पहले सबसे पहले पी के अंदर में क्या आता है एन वाई
जाएगा एन वाई आ गया अपने पास, और क्या जाएगा एन जेड क्यू प्लस एन जेड, नहीं यहाँ पे हम देख सकते हैं एन पी क्यू जेड क्यू एन क्यू जेड पी, ये दोनों कट जाएंगे। अब ये कट गई तो हमारे पास ये तो एन बाई आ गया प्लस, अब इधर से आएगा कॉमन माइनस एम जेड, तो इसको हम लिख सकते हैं पी एन बाई माइनस क्यू, इधर से आया ये तो एम जेड ये आ गया, प्लस क्यू कॉमन लिया है तो इस बार क्यू एल जेड, इधर से आएगा माइनस के साथ तो एन एक्स इक्वल टू एम एन माइनस एम एन माइनस एल वाई वाई, सॉरी यहाँ पे एल वाई नहीं है, यहाँ पे एम एक्स है, ये एक्स है तो एम एम एक्स अपन एल माइनस एल वाई, ये आ गया अपने पास, ये इस टर्म आ गया, तो ये अपने पास ये आंसर आ गया, क्योंकि पी पी और आर इस फॉर्म में है ना, इसको हम कैपिटल पी मान सकते हैं, इसको कैपिटल क्यू मान सकते हैं, इसको कैपिटल आर इस फॉर्म में, तो ये अपने पास आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स।